यहाँ से 6:30 निकल रहा हूँ और 4 बजे की फ्लाइट है। कॉन्टिन्यूस ट्रैवल आपका, बार बार गाड़ी चला रहे हैं, बट रेस्ट तो किस बात किसकी मजाल है मेरे को रेस्ट करने दे। हाँ, हाउ आर यू? वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन और मटन करी आपको यहीं मिल सकती है, पूरा चिकन वाला। बन के मानो हुआ सब गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। परसों मैं निकल रहा हूँ फ्राइडे को पंजाब, तो 2 दिन है मेरे पास, आज का और कल का। अच्छे से वर्कआउट करेंगे, मल्टीपल मसल्स का वर्कआउट करेंगे। आज बैक और ट्राइसेप्स मारेंगे और कल ऐसे कुछ 2 मसल्स उठा लेंगे और उसके बाद 1-1.5 हफ्ते के लिए मैंने गायब हो जाना है। भाई सब जिम फ्लडेड है इस टाइम पे, अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस पे हैं मेरे, बट अपने लिए क्या। मंडे को मैंने चेस्ट और बाइसेप्स करा, आज मैंने बैक और ट्राइसेप्स करा, कल मैं शोल्डर्स और लेग करूँगा और परसों अर्ली मॉर्निंग हम पंजाब निकल जाएंगे। बाकी भानु भैया कल निकल चुके हैं, जिसकी कुछ एक आधा क्लिप्स हैं जो इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। भानु भैया वापसी शिप जा चुके हैं, अब 5-6 महीने बाद ही आएंगे। और आई नो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, और मैं भी ये चीज़ जानता हूँ कि मैं जितना हो सके उतने ज़्यादा डेली व्लॉग्स बना सकता था इस बीच भानु भैया के साथ, बट अगर मैं व्लॉग्स में लगा रहता तो भानु भैया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो व्लॉग्स आपके लिए ज़रूरी थे, बट टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिना व्लॉग लुक के, बिना कैमरे के। और एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, डेली व्लॉग्स में डाल रहा हूँ बट हफ्ते में 5 ही दिन, 2 दिन नहीं आएंगे जो कि है मंडे और थर्सडे, क्योंकि उन दोनों दिन मेरे मकबैंग जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि जिस दिन मेरे मकबैंग की एडिटिंग हो उस दिन मैं व्लॉग की एडिटिंग में लगा रहा हूँ, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दिन भर एडिटिंग में निकल जाता है, बाकी किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हफ्ते में हर दिन मेरा वीडियो आएगा, जिसमें से 5 दिन मेरा व्लॉग होगा और 2 दिन मेरा मकबैंग होगा। एनीवे भी फटाफट से घर निकलते हैं भाई, हाथ भी नहीं उठ रहा है मेरे से, चलो फटफट फट। तो भाई फाइनली आज की एडिटिंग फिनिश हो चुकी है व्लॉग की, अब मैं निकल रहा हूँ मकबैंग के लिए थोड़ा सा सामान लेने के लिए। ओवरऑल आउटफिट ऐसा है, ये डीकैथलॉन से मैंने जिम के लिए एक लोअर खरीदा था, बट अभी ऐसा कुछ पहनने को नहीं मिल रहा, तो ये इसके साथ ही बढ़िया लगता है भाई। यूज़ करते हैं अपना फैंटम, भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये परफ्यूम तगड़ा है, इसका टॉप नोट वगैरह इतना कुछ खास आपको लग, ओए होए मैंने शेव कर रखा, इसका टॉप नोट ना इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, बट भाई ट्रस्ट मी 2-3 टी शर्ट्स थी जिसमें मैंने ये लगाया था, और भाई 3-4 दिन बाद मैं जब वो टी शर्ट्स पहन रहा हूँ, जैसे ये 3-4 दिन बाद पहन रहा हूँ, क्या फ्रेगरेंस आ रही है भाई इसकी, बेहतरीन, मतलब बहुत ही माइल्ड वनीला सिट्रसी नोट के साथ वो स्वाद आ गया भाई। बाकी बारबेक्यू नेशन का भी वीडियो आ चुका और अपना चंडीगढ़ फूड टूर का भी वीडियो आ चुका है, जिस किसी ने नहीं देखा भाई देख लेना, यहाँ आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी जस्ट अभी उठाओ, देखो अभी ये चेक्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसको अपलोड करके निकलूँगा। आज रात 8 बजे के लिए अपलोड कर दिया गया है ये वाला वीडियो, चंडीगढ़ मोहल्ले ने दिल जीत दिया चंडीगढ़ फूड टूर, भाई देख लेना बहुत ही तगड़ा वीडियो है, रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। गाड़ी धुलवा दें भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, पंजाब निकलना है मुझे परसों ही और वापसी आके आज मकबैंग भी करना है, तो सबसे पहले चंदेल जी से गाड़ी धुलवाते हैं एकदम अंदर बाहर एकदम चकाचक, और उसके बाद क्रॉस रोड मॉल वगैरह जाना है मुझे, थोड़ा एक आधा सामान लेना है अपने मकबैंग के लिए भी और अपनी इस जर्नी के लिए भी। आज का आधा दिन गया मेरे ब्लॉग की एडिटिंग में, बट उस ब्लॉग को एडिट करने में भाई बहुत मज़ा आया, ये चंडीगढ़ वाले ब्लॉग को एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और जब एडिटिंग करने में मज़ा आता है ना तब वो बर्डन नहीं लगता है और आपको टाइम का पता नहीं चलता भाई। सुबह 10 बजे से बैठ रखा था मैं उसमें और फाइनली 5 बजे जाके भाई वो अपलोड वगैरह सब कुछ हुआ है, बट मज़ा आ गया, ज़रूर देखना भाई। मतलब जब इतने घंटे लगा के अपन ब्लॉग एडिट करते हैं ना, तो कृपया अपने 8-10 मिनट तो दे दिया करो उस ब्लॉग को, देख लिया करो, इसी लिए कि यार चलो इस बंदे ने इतने घंटे एडिटिंग में दिए हैं, हम 10 मिनट देख ही लेते हैं, वही काफ़ी होगा इसको सपोर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप 8-10 मिनट मेरे वीडियोस देख लो भाई। बाकी भानु भैया एम्स्टरडैम पहुंच चुके हैं,
एम्स्टरडैम से उनकी फ्लाइट चेंज होनी थी और अब वो पनामा की फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 10 घंटे बाद वो पनामा पहुंच जाएंगे। भाई नज़ारे तो अपने देहरादून में भी कम अच्छे नहीं मिलते, बट चंडीगढ़ और मोहाली, स्पेशली मोहाली के शाम के नज़ारे, ओ हो हो भाई, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे भूला हूँ मोहाली की वो ट्रिप। मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कि दोबारा से जाऊँ, वो पिज्ज़ा खाऊँ, वो कुलचे खाऊँ। कसम से बता रहा हूँ, अगर वो मेरे शहर में होते ना, कल भानुवे और मैं वीडियो कॉल पे यही बात कर रहे थे कि यार अगर वो कुलचे और वो पिज्ज़ा हमारे इस शहर में होता ना, भाई क्या मज़ा आता है, उस पर मकबैंग करता ना, बेहतरीन मोटा हो जाना था भाई कसम से, इतना टेस्टी खाना है अगर चंडीगढ़ का। तो भाई आ चुका हूँ चंदेल जी के यहाँ, गाड़ी कोई यहाँ थी नहीं थैंकफुली, तो अपनी गाड़ी में काम भी स्टार्ट हो चुका है। आज चंदेल जी भी नहीं दिख रहे और मिश्रा जी भी नहीं दिख रहे जो मेरी गाड़ी साफ करते थे, बट कोई बात नहीं भाई, बस ये फटाफट से हो जाए। और हाँ, मैंने प्रवीण को भी बुला दिया तो वो भी आने वाला होगा। और मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा को तो भगा दिया, सारा सारा दिन पे होता। अच्छा, ये बात है, करवानी कस्टमर से, सही बात है। तो भाई मिश्रा जी को थोड़ा सा इस चीज़ का प्रॉब्लम था, तो अब अंकल बता रहे हैं भगा दिया, चलो क्या कर सकते हैं, बट इनके यहाँ काम भाई बढ़िया होता है। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखो दो अन्य भी यहाँ लगे हैं, एक यहाँ मैट पे लगे हैं, बढ़िया करके साफ सफाई होती है हमारी गाड़ी की, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से हर जगह से बहुत ही बढ़िया तरह से साफ की जाती है भाई यहाँ। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यार, बहुत टाइम बाद, मतलब प्रीवियस 2 या 3 बार तो मैंने ही अपनी गाड़ी खुद धोई, और अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं गाड़ी बहुत लंबे टाइम बाद धोता हूँ, वक्त की कमी की वजह से, अदरवाइज़ गाड़ी से बहुत प्यार है मुझे अपनी, खुद गाड़ी धोने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट जब खुद अपनी गाड़ी धो ना तो आप फिर इंच भी नहीं छोड़ते उसका, एकदम चमचमाती भी होनी चाहिए अपनी गाड़ी फिर अगर खुद धो रहे, और उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा भाई आ ही जाते हैं यार। इतना बड़ा बैग लेके आता तू जिम? एक प्रोटीन का, एक पानी का, एक पानी का, एक ये सब भूल अपने मग बैंक ले सामान ले आई हो, पैसे नहीं। अभी कैमरा खरीदा 60,000 का, मदरबोर्ड फूक गया लेकिन कंप्यूटर का। अब बिना ग्राफिक कार्ड के एडिटिंग करेगा भाई, एक उसमें कट मार रहा हूँ थोड़ी देर रुक जा रहा है। यार एनीवे अपनी गाड़ी भाई हो चुकी है चकाचक, चमक के लगती तो प्यारी है, लगे पड़े हैं 3-3 लोग अपनी गाड़ी में, बढ़िया भाई चमचमा चुकी अपनी गाड़ी। अरे मैं कह रहा हूँ फ्लोर थ्रोड चल रहे यार। अपनी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है पंजाब के लिए, अब और कुछ नहीं करवाना भाई, पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ सेट है, इसका पहला मेरा सोलो ट्रिप होने वाला भाई। नेक्स्ट व्लॉग आपको उसी सुबह का मिलेगा जब मैं जा रहा हूँ, जब मैं जा रहा हूँ पंजाब, उसी दिन आपको लोकेशन का भी पता चलेगा भाई कहाँ जा रहा हूँ। जो भी है फन होने वाला है बहुत ज्यादा, और अनस्क्रिप्टेड जा रहा हूँ भाई, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड अक्षांशु, तो एकदम मतलब अनप्लान्ड, कोई होटल्स बुक नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं, सब कुछ वहीं जाके होगा। और पंजाब की ऑडियंस, आई एम कमिंग टू पंजाब, बहुत सारे कमेंट्स आते थे भाई कि पंजाब में आके ये ट्राई करो वो ट्राई करो, केसरदा ढाबा ये भाई सब ट्राई करेगा तुम्हारा भाई, गाड़ी में मकबैंग करेंगे इस गाड़ी में भाई सब, फुल पावर एकदम रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी, अभी दिख नहीं रहा होगा पीछे, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ क्रॉस रोड मॉल, वहां से आज के मकबैंग के लिए कुछ सामान उठाना है, आंखें बंद करके फ्रेश एंड इजी घुसना है क्योंकि वहां खरीदने में ना बहुत सामान दिख जाता है, तो चुपचाप जिस चीज की जरूरत है वो चीज उठाएंगे और निकलेंगे भाई। आंखें बंद भाई, ये है यू का सेजवान नूडल जो कि बेहतरीन होता है, एक ये भी यार इस पर मेरे को वो है क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं था जो मैं पहले ले गया था, ऐसा था कुछ, तो नॉन वेज उठाता हूँ और एक वेज उठाता हूँ, आज ही देख लेंगे दोनों में से बेटर कौन है। तो भाई ले चुका हूँ ये शुगर फ्री चिंगम चीज, मुझे ये ऑर्बिट का बड़ा बड़ा डब्बा नहीं मिला था भाई, बड़ा वाला डब्बा भाई बहुत सही रहता है, बट एनीवे निकलता है, थोड़ा सा टाइम लग गया, पेमेंट में इशू आ रहा है यार, थोड़ा मेरे साथ ना धोखा सा हो गया, यहाँ बारिश हो गई भाई, मतलब मूसलाधार बारिश, और लगाओ
कैसी किस्मत है, मैं अभी गाड़ी धुलवा के लाया और अब बारिश हो गई और देहरादून की बारिश, मतलब यहाँ जब बारिश होती है ना तो धूल धक्कड़ इतनी है ना कि वो पूरी चिपक जाती है और फिर नेक्स्ट डे ना इतनी गंदी लगती है गाड़ी, इसका हिसाब नहीं भाई। आई जस्ट होप थोड़ा सा झेल ले भाई ये। तो भाई भूरा आ चुका हूँ और आज आपको पहली बार भूरा भी दिखाता हूँ पास से। तो भाई ये रहा भूरा चिकन कॉर्नर, भीड़ हो रही है बहुत भयंकर है यहाँ, देखो भीड़ भाई साहब। तो भाई दो बनने हैं ये और एक जो पीछे, ये दोनों ही है शॉप पे करता हूँ। हाँ भाई बारिश का मौसम, गर्मा गर्म मटन करी नान के साथ, साथ में नूडल्स, स्वाद आ जाने वाला भाई। ये मौसम देखो ज़रा। और भाई ये इनकी इतनी सी शॉप है हमें तो, इसमें कोई सिटिंग एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, किचन है जो सामने ही पकता है, यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, अंदर भी नहीं आने देता है कोई, और यहीं से सबको ऑर्डर पकड़ाए जाते हैं भाई। फिर भी वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन और मटन करी आपको यहीं मिल सकती है देहरादून में, पूरा चिकन कॉर्नर। फाइनली भाई इस भीड़ से जूझते हुए फाइनली अपना ऑर्डर मिल चुका है, अब निकलते हैं भाई घर। यार टाइम ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब मेरी अब हालत ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नूडल्स ही रखने थे तो कहीं बाहर से ही ऑर्डर कर लेता यार। टाइम देखो यहाँ 9 बजने वाला है, मुझे अभी नूडल्स भी बनाने हैं घर जाके, और मुझे एक ऐड भी शूट करना है जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, प्लस मुझे हाथ भी ट्रिम करने हैं उसमें भी टाइम लगेगा, तब तक खाना ना ठंडा हो जाए। तो बहुत सारी दुविधाएं होती हैं भाई मकबैंग करते टाइम, बस लोगों को लगता है ऐसा कि बहुत ईजी होता होगा, खाना मंगाओ खाओ ये वो सो, बट ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। 9:30 बजे तक मैं अपना मकबैंग स्टार्ट कर पाऊंगा। आज हो रहा है अपना लेट नाइट मकबैंग, 10:44 हो रहा है, तो मतलब समझ रहे हो मेरी कितनी हैवी मील होगी और दिन के किस वक्त होगी, जिस वक्त बिल्कुल भी हैवी मील करनी ही नहीं चाहिए। और ये मेरी फर्स्ट मील ऑफ द डे है, मेरा वाटर फास्ट चल रहा है, अब मेरी फर्स्ट मील होगी इतनी हैवी मील और वो भी रात के इस टाइम पे, जिसके बाद मतलब मैं ना तो वर्कआउट कर सकता हूँ ना मैं वॉकिंग कर सकता हूँ, बस मुझे वैसे ही सोना पड़ेगा हैवी पेट के साथ। तो कुछ थोड़ी बहुत दुविधाएं हो जाती हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। बजरंगबली जी का जाओ जा, अच्छी खासी धुल के आई थी, ये देख रहे हो पानी, अब इसमें धूल जम जानी है, ये देखो अभी से देख लो क्या कर सकते हैं। आप बड़े जल्दी आ गए अंदर, हमारी आदत पड़ गई है क्या, जल्दी सो जाते हैं घर वाले भाई, तो आप भी जल्दी सो गए, रोटी ऐसी रख के। तो भाई फाइनली अपना एड भी रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे नूडल्स बनाने हैं, मुझे अंडे बनाने हैं, सब सामान ऊपर लाना है, अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है, फटाफट से बनाते हैं ये। और मेरे ख्याल से भाई व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक होने वाली हैं मेरे लिए। आज 19th मानो भैया आज निकल रहे हैं भाई, की सेलिंग स्टार्ट होने वाली है पनामा से, तो फिर पनामा तक इनकी फ्लाइट है, आज ही निकल जाएंगे। तो भाई मौसम, हाँ हाँ भाई साहब खुला वाला घुस जा भाई, प्रोमो में घुस जा, एक काम कर प्रोमो में घुस जा। तो ये इनकी पैकिंग हो चुकी है, मानो भैया ने अभी नया रिसेंटली शू लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको भाई साहब, ये देखो एडिडास का पता नहीं कौन सा है, बट 3 कलर्स में है और बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करा है, एक ये बेज है, एक ये थोड़ा सा ब्लूइश है, इधर रेड वाइट 3-4 कलर है भाई, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दिल्ली से 355 की फ्लाइट है एम्स्टरडैम से है फिर डायरेक्ट पनामा सिटी की, अच्छा US में जाना पड़ रहा है, तो पहली फ्लाइट है 9:35 घंटे की, अरे भाई यहाँ से एम्स्टरडैम नॉन स्टॉप, दूसरी पनामा के लिए सही भाई साहब 11 घंटे की फ्लाइट, वो भी नॉन स्टॉप है जबकि, हाँ तो और बीच में जो मेरा लेओवर है 10 बजे पहुंच रहा हूँ मैं, और फिर वहाँ से 12:55 तो 3 घंटे का लेगा, लेओवर 23 घंटे और अभी 10 घंटा यहाँ से 23 और 10 33 आवर्स का, मैं यहाँ से 6:30 निकल रहा हूँ और 4 बजे की फ्लाइट है, कॉन्टीन्यूस ट्रैवल आपका 33 आवर्स। एनी वे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैंने एक नई कॉफ़ी स्टार्ट करी है, थर्ड वेव कॉफ़ी की कोल्ड ब्रू कॉफ़ी मंगाई है, बढ़िया है, मतलब पहले मैं स्लीपी आउल की पीता था कोल्ड ब्रू, वो भी बढ़िया थी और ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट है इनका, बाकी एक और एक दिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा बढ़िया कॉफ़ी। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगा, मैं वापस से शिफ्ट हो चुका हूँ माय प्रोटीन से, क्योंकि मसल ब्लेज से उतना शायद से फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई 2-2.5 महीना मैंने मसल ब्लेज यूज़ करा
अब एक दो महीना मैं माई प्रोटीन यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि दोनों में से किसने ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाया है मेरी बॉडी पे। ऑल दो अभी खुद एक दो महीने मेरा जिम बहुत ज़्यादा इररेगुलर होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवल पे ही रहने वाला हूँ ज़्यादातर। मैं बारिश रुकने का वेट कर रहा था, बारिश रुक चुकी है तो फाइनली अपन निकल जाएंगे ट्रैवल पे। तो आई डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगा ये चीज़ नहीं पसंद आएगा, बट अब ट्रैवल ब्लॉग चलेंगे भाई। तेरा भाड़ा का एयरपोर्ट लुक ओके जी, ओके मिलते हैं 6 महीने बाद। हज़ा भोरे हज़ा तू भी जाएगा क्या पागल इंसान, तू भी जाएगा क्या, तू भी जाएगा ओके ओके बाय। तो फाइनली यार भारत में निकल चुके हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत जाता है यार। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनको लेके आया था तो भाई फाइनली आ चुके हैं। हाँ हाउ आर यू, बाल तो बहुत फ्लेक्स। फिर हम दोबारा से गए किसी काम से दिल्ली गए थे उनके कोर्स के लिए। अभी थोड़ा देर साइड में रेस्ट कर लेता हूँ तो भारत भाई गाड़ी चला रहे हैं, बट रेस्ट तो किस बात किसकी मजाल है मेरे को रेस्ट करने दे। गाड़ी नीचे डाल रहे भाई, गाड़ी तो नीचे मत डालो यार भाई। फिर हम चंडीगढ़, लेयर काफ़ी क्रिस्पी है ना, क्रिस्पी हो रहा है बढ़िया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी यादें हमने इस बारी भी बनाई, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा जल्दी बीत गया कि ऐसा समझ भी नहीं आ रहा है, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है कि इतनी जल्दी इतने दिन कैसे बीत गए। बट एनी हो, अब वापस भानु भैया मिलेंगे 5-6 महीने बाद। एनीवे मुझे फ्राइडे को निकलना है पंजाब, अभी से पैकिंग कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले 2 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं, तो अभी से सारी तैयारी करके। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट।